को मैं अब्दुल हद आप तमाम देखने वालों को चाक मेंटर यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपको बाल मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान या फिर आप जो है शारीरिक शिक्षा कह लें, इसी से संबंधित है। हम ये करेंगे कि आपको सिर्फ जो है क्वेश्चन और आंसर बताते चलेंगे, ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जो है कम समय में अधिक क्वेश्चन कवर करनी है। निम्न में से कौन सा अधिगम का शिक्षण स्तर नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दूरवर्ती स्तर, दूरवर्ती स्तर। अगला प्रश्न है, मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान, मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। वे हैं क्या? देखिए, प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन, व्यवस्था, आत्मीकरण, वाचन एवं अभिव्यक्ति। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपको सबसे पहले 2, फिर 1, फिर जो है आपको 4, और फिर आपको 3, और फिर 5। तो आप देखिए इसमें क्या प्रस्तुतिकरण है, खोज है, संगठन व्यवस्था है, आत्मीकरण हो गया, वाचन अभिव्यक्ति। तो अब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये, देखिए, एक है आपको 2, 1, 4, 3, 5। इस तरह से जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है, ये आंसर हो जाएगा आपको 3, योजना बनाना। क्या होता है? योजना बनाना। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? निगमन से आगमन की ओर, ये शिक्षण सूत्र नहीं है। निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, 1, स्वेच्छाचारी जो है आपको शिक्षण की विशेषता नहीं है। सुमेलित कीजिए, ये जो है आपको कूट मिलाना है, एनिमल इंटेलिजेंस हो गया, पुनर्बलन की अनुसूची हो गया, आसागर सार्ग भिड़ता का नियम, अनुकूलन, ये किसने दिया था? तो 3 का हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 1 का 3, यानी कि एनिमल इंटेलिजेंस दिया था थॉर्नडाइक। 4 का जो है आपको 4 हो जाएगा, उसके बाद आपको पुनर्वरण की स्किनर ने दिया था, फिर उसके बाद सॉरी ये नहीं होगा, सबसे पहला आपको एनिमल इंटेलिजेंस दिया था थॉर्नडाइक, और फिर उसके बाद पुनर्वरण की अनुसूची दिया था स्किनर ने, फिर उसके बाद आपको जो है सागर ये दिया था आपको गेस्टाल्ट ने, और अनुकूलन दिया था आपको पियाजे ने। तो इस तरह से ये 3 जो है आपको, ये 3 नंबर इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हो गया, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? प्रस्तावना का कौशल, एक आंसर हो जाएगा। फिर अगला लेते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन, या इसको आप कह लीजिए डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी आंसर इसका हो जाएगा 3। अगला सवाल लेते हैं हम, संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? ये आपको संबंधित है किससे? स्मृति से, इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की के बारे में चिंतन है, इसका आंसर हो जाएगा संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना, ये आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न,
शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां, इसका आंसर हो जाएगा उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, यानी तीन आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? ये हो जाएगा तीन, समस्या के प्रति जागरूकता। आंसर इसका कितना हो जाएगा? तीन हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन इज, अंतर्मुखी हो जाएगा, इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट इसका आंसर हो जाएगा एक। अगला प्रश्न लेते हैं, उदाहरण निरीक्षीकरण विश्लेषण वर्गीकरण नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? तो ये हो जाएगा आगमन विधि। क्या हो जाएगा? आगमन विधि, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसका आंसर हो जाएगा टू। इसका आंसर कितना हो जाएगा? दो। अगला प्रश्न लेते हैं, अंगूर खट्टे हैं का उदाहरण है, दमन प्रतिगमन व्यक्तिकरण प्रतिक्रिया निर्माण, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको युक्तिकीकरण, रेशनलाइजेशन। आंसर हो जाएगा कितना? तीन। आंसर हो जाएगा तीन इसका आंसर। ये जो है आपको भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 व आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है? तो ये अनुच्छेद 21A हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं हम, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है शिक्षक केंद्रित, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है शिक्षक केंद्रित, एक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा येन केन प्रक्रेन, वैल्यू ऑफ अर्निंग बाय वे ऑफ येन कैन, येन कैन। फिर अगला प्रश्न लीजिए, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो इसका आंसर हो जाएगा चार, प्रस्तुतीकरण, चार हो जाएगा प्रस्तुतीकरण। अगला प्रश्न लेते हैं, व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सूचना प्रक्रियाकरण, सूचना प्रक्रियाकरण। अगला प्रश्न है, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति को उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? चार, एक, दो, तीन, यानी कि ये तीनों इसका जो है ऑप्शन होगा, तीनों क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? स्वतः शोध के क्या है? सेल्फ रिसर्च के उदाहरण है। आंसर क्या हो जाएगा? एक। अगला सवाल लेते हैं, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों के, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो ये कथन क्रो एंड क्रो का है ये कथन, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चार। अगला सवाल, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं बहुलक, उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? एक। अगला प्रश्न, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है अनुकरण, क्या है? अनुकरण, इसलिए इसका आंसर कितना होगा? दो। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव कहलाता है, क्या कहलाता है? कुंठा कहलाता है, फ्रस्ट्रेशन कहलाता है। आंसर क्या होगा? दो। कौशल सीखने की पहली अवस्था है, क्या है? अनुकरण, इसका आंसर कितना हो जाएगा? चार। अगला सवाल, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है? स्तंभाकृत कहलाता है। आंसर कितना हो जाएगा? एक।
निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? क्या है नहीं किया जाता है? तार्किक विधि। तार्किक विधि आंसर कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा। अगला सवाल, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या प्रेरित करना चाहिए? तो आंसर कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। अगला सवाल, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है बालक का विद्यालय न जाना। क्या है? शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, किसी बालक का एक वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। इसका आंसर हो जाएगा तीन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा आपको अनवेंशन इन्वेस्टिगेशन, यानी कि आंसर हो जाएगा कितना? चार। आंसर कितना होगा? चार। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा चार, उपयोग। बालक की व्यक्तिता का आदर करना, ठीक है, पुरस्कार एवं दंड, ठीक है, प्रशंसा एवं भर्त्सना, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? चार, उपयुक्त में से सभी। अगला सवाल, समस्या समाधान का प्रथम चरण है, समस्या समाधान का प्रथम चरण है आंकड़ा संग्रहण, डेटा कलेक्शन, आइडेंटिफाइंग, सॉरी, समस्या की पहचान। इसका आंसर कितना हो जाएगा? समस्या की पहचान, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, ये हो जाएगा, ये आपको नहीं होगा। फिर उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या होगा? ये होगा प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन, ये हो जाएगा आपको आंसर, तीन हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं हम, इनमें से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो ये है गाल्टन, दो आंसर हो जाएगा गाल्टन का। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए सूची, ये आपको जो है मिलाना है, तो इसका आंसर है दो, यानी पहला का हो जाएगा चार, पहला का कितना हो जाएगा? चार हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा आपको तीन, फिर इसके बाद हो जाएगा आपको एक, और फिर इसके बाद हो जाएगा दो। यहाँ बता देता हूँ, पहला का चार हो जाएगा, और फिर इसके बाद हो जाएगा दूसरा का तीन हो जाएगा, सी का एक हो जाएगा, इसका दो हो जाएगा, यानी गुरुंड जो है ये है संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान, आसू बेल आपको जो है अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान का, फिर इसी तरह गार्डन जो है, गार्डन है किसका? असाइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान का, और फिर इसी तरह से आपको बुनियादी दो हो गया साइनेसिक, और फिर जो है तीन में एक है ग्लेजर हो जाएगा बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का, तो ये हो गया आपको। अगला प्रश्न हम लेते हैं, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायता परक व्यवहार, सहायता परक व्यवहार। अगला प्रश्न, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो ये होगा सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। तीन, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है? ये हो जाएगा ज्ञान। तो आज जो है हम इतना ही रखते हैं, आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा, आपको पसंद आए तो लाइक कर देंगे, कमेंट जरूर कीजिए, और फिर सब्सक्राइब अगर चैनल नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। अगले सीरीज में, अगले वीडियो में हम अगले क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप सभी देखने वालों को बहुत बहुत शुक्रिया।